नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। बाढ़ से यूपी बिहार बेहाल, एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात। बिहार के कई हिस्सों में गंगा और 5 अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिस वजह से नदी के तट पर बसे जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर प्रमुख नदियों ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। केंद्र ने बिहार और उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 10 टीमों को भेजा है, ताकि इन राज्यों में फंसे असहाय लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग के एक बयान में बताया गया है कि बिहार में बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे जिलों में पटना, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार शामिल है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, शारदा और केन खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केंद्रीय मंत्री अहीर बोले, शांति नहीं चाहते चीन और पाकिस्तान। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तुलना नरक से किए जाने के बाद उनके कैबिनेट सहयोगी हंसराज अहीर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के साथ शांति नहीं चाहते, क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है। गृह राज्य मंत्री अहीर ने कहा कि पीएम मोदी हमारे सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में सफल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन देशों की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेढ़ी दुम है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। भागवत बोले, वाजपेयी ने निकाल लिया था कश्मीर मसले का हल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राज में कश्मीर मुद्दा सुलझने की कगार पर था, लेकिन बाद के सरकारों ने वाजपेयी के प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाया। भागवत का ये बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिक हल ही संभव है। भागवत ने रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर वाजपेयी सरकार 2 साल और सत्ता में रहती तो कश्मीर समस्या का समाधान हो जाता।